350 ग्राम के वजन का हमारे फीस्ट के आकार का एक अंग हमारे पूरे शरीर हमारे पूरे जीवन में कैसे सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, बल्कि पूरे शरीर का सबसे मेन पार्ट बनकर रह जाता है, वो बॉडी पार्ट जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा बीमारी का कारण भी बनता है। और चूंकि मैं साइंस वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप उस सबसे महत्वपूर्ण बॉडी पार्ट के बारे में जरूर जानिए जो हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट है, और हमारे बॉडी के लिए भी उसके बारे में आप जरूर जानिए। वो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी पार्ट है हमारा हृदय, यानी हमारा हार्ट। हर किसी को हार्ट की संरचना और उसके वर्किंग के बारे में पता जरूर होना चाहिए। हृदय हमारे शरीर का वो अंग है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में फैलाता है, और CO2 मिले हुए ब्लड को पूरे शरीर से अपनी ओर लाकर उसे ऑक्सीजनेटेड करता है। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में फैल जाता है, तो पूरे शरीर को हर एक सेल को जीवित रहने के लिए जरूरत की न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिल पाता है। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में फैलेगा, तभी पूरे शरीर को हर एक सेल को जीवित रहने में आसानी होगी। इसके साथ ही ब्लड पूरे शरीर में न्यूट्रिशन को भी सप्लाई करता है। तो चलिए जानते हैं कि हमारा हृदय बना कैसे है और ये काम कैसे करता है। आखिर इस दिल में ऐसा है क्या जो मानता ही नहीं है, बस धड़कता ही जाता है। ये जो हमारा हृदय है जो कि धड़कता रहता है अपने अंदर चार खाली चैम्बर्स की वजह से, और यही वो चार मेन पार्ट्स हैं हृदय के। ऊपर के दो छोटे भाग जिसे एट्रियम या हिंदी में अलिंद कहते हैं, ये बाया एट्रियम है और ये दाया एट्रियम। नीचे का थोड़ा बड़ा चैम्बर जिसे वेंट्रिकल्स या निलय कहते हैं, ये दाया वेंट्रिकल और ये बाया वेंट्रिकल। ये चार खाली चैम्बर ही हृदय के मेन पार्ट हैं, और हृदय से खून को ले जाने और ले आने के लिए पूरे शरीर में पाइपनुमा नलिकाएं बिछी हुई होती हैं, जिसे रक्त वाहिका या ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब देखिए, हृदय पर ये पाइप जहां मैं एरो से पॉइंट कर रहा हूं, वहां से खून हमारे शरीर के पेट और पैर जैसे निचले हिस्सों से हृदय में आता है, और जहां मैं अब एरो से पॉइंट कर रहा हूं, वहां जिसे इंग्लिश में सुपीरियर वेना कोवा कहते हैं, वहां से दिमाग हाथ पांव जैसे जगहों से खून हमारे हृदय पर आता है। आपको पता ही होगा कि हृदय पर खून लाने वाले नसों को वीन्स यानी शिराएं कहते हैं, और हृदय की तरफ से खून बाकी के शरीर के अंगों की तरफ पहुंचाने वाली नसों को धमनी कहते हैं, यानी इंग्लिश में आर्टरीज कहते हैं। अब इन शिराओं से खून, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ही कम होता है, इस दाएं वाले एट्रियम में खून को गिरा देते हैं। ध्यान रहे, कम ऑक्सीजनेटेड वाला खून शरीर के बाकी अंगों से हृदय की तरफ लाया जाता है, जो कि नीले रंग से दिखाया जाता है। अब जैसे ही दाएं वाले एट्रियम में कम ऑक्सीजन वाला खून जाता है, नीचे वाले चैम्बर में खून को जाने के लिए जो वॉल्व है वो तब तक बंद रहता है जब तक नीचे वाला दाया वेंट्रिकल सिकुड़ने के बाद फैलने नहीं लगता। और जब खून ऊपर वाले दाएं एट्रियम से दाएं वेंट्रिकल में आ जाता है, दिल के धड़कने की वजह से वो इस नली में आ जाता है, जिसे पल्मोनरी वीन यानी हिंदी में फुफ्फुस शिरा भी कहते हैं। और पल्मोनरी वीन से खून फेफड़ों की तरफ बढ़ता है, क्योंकि फेफड़ों में ताजा ऑक्सीजन आता है, वहां से ये खून ताजा ऑक्सीजन लेकर दोबारा से हृदय की तरफ बढ़ता है। इस बार ये खून ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के कारण थोड़ा हल्के लाल रंग में बदल जाता है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर डार्क होता है। हृदय में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है हृदय में इस पल्मोनरी वीन से। आपको याद रखने के लिए बता दें कि पल्मोनरी का मतलब फेफड़ा होता है। पल्मोनरी वीन से खून फेफड़े से हार्ट की तरफ जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी का मतलब खून हृदय से फेफड़े की तरफ जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन से भरा हुआ खून हृदय की तरफ बढ़ता है, ये सबसे पहले बाय एट्रियम की तरफ गिरता है, और नीचे वाले वेंट्रिकल में तब तक नहीं गिरता जब तक वो फैल नहीं जाता। नीचे वाले बाएं वेंट्रिकल से खून ऑक्सीजन सहित एक नली जिसे एओट्रा या हिंदी में महाधमनी कहते हैं, वहां पहुंचता है, और वहीं से ये खून पूरे शरीर में पहुंचता है। ये एओट्रा जिसे महाधमनी कहते हैं, हमारे शरीर में खून को पहुंचाने का हाईवे होता है। एक बार इमेज में देख लीजिए इस महाधमनी को। एओट्रा से ही शरीर के सभी छोटी बड़ी नसें महाधमनी से जुड़ी रहती हैं, जो शरीर के हर एक सेल को ब्लड पहुंचाती हैं। वहां से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के बाद फिर से ये ब्लड ऑक्सीजन लेने के लिए हार्ट के पास चला जाता है, और हृदय के ऊपर कुछ स्पेशियल सेल होती हैं जो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो व्यक्ति के हृदय को लगातार धड़कने में मदद करता है।
हर एक सेल वीन और आर्टरी की छोटी छोटी कैपिलरी नसों से जुड़ी रहती है जो खून को लाने और ले जाने का काम करती हैं। तो अब आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे कि हमारा हृदय काम कैसे करता है और ये खून को हमारे पूरे शरीर में फैलाता कैसे है। इतनी इम्पॉर्टेंट नॉलेज आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। एक बार आपको डी ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर दिखा देते हैं। ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हल्के रंग का है और ये है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि गाढ़े रंग में है। तो आपको इस तरह के वीडियो और भी देखने हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब